नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है के भारत न्यूज की टॉप 20 हेडलाइन में। बिहार में मिला ब्लैक फंगस का अनोखा मामला, मस्तिष्क से निकाला गया क्रिकेट बॉल से भी बड़ा फंगस। महाराष्ट्र सहित 24 घंटे में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में आज दस्तक दे सकता है मानसून। खाद्य तेलों में महंगाई से मिलेगी राहत, सरकार कर रही आयात शुल्क घटाने की तैयारी। देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावट, देश में 71 दिनों बाद आए कोरोना के सबसे कम 80,000 मामले। दिग्विजय के बयान से घिरी कांग्रेस, बोली अनुच्छेद 370 पर CWC प्रस्ताव का पालन करे पार्टी नेता। अनुच्छेद 370 पर दिग्विजय के बयान के बचाव में उतरे तारिक अनवर, बोले टिप्पणी कांग्रेस के रुख के अनुरूप। तेलंगाना के पूर्व मंत्री एटाला राजेंद्र आज सौंपेंगे इस्तीफा, पिछले महीने मंत्रिमंडल से हुए थे बर्खास्त। कांग्रेस का सरकार पर निशाना, कोरोना से जुड़ी हुई कुछ वस्तुओं पर GST में कमी दिखावटी। स्कॉलरशिप चाहिए तो बच्चों को हरियाणा में देनी होगी 10वीं की बोर्ड परीक्षा, हालात सामान्य होने पर होंगे एग्जाम। G7 शिखर सम्मेलन में PM मोदी ने किया एक धरती एक स्वास्थ्य का आह्वान, सत्र को आज भी करेंगे संबोधित। बीकानेर बनेगा डोर टू डोर टीका देने वाला देश का पहला शहर, मोबाइल कैंप लगाकर सार्वजनिक स्थलों पर दी जा रही वैक्सीन। KRK ने सलमान से पंगा लेने के बाद बॉलीवुड को लिया आड़े हाथ, बोले मैं दूसरा सुशांत नहीं बनूंगा। सोनू सूद IAS की तैयारी करने वाले छात्रों को दिलाएंगे फ्री कोचिंग। गहलोत सरकार अपने ही विधायकों के फिर से करा रही फोन टैप, पायलट समर्थक MLA का आरोप। दिल्ली में अगले सप्ताह से सलून और साप्ताहिक बाजार खुलने की संभावना। CISF की पहल, लाल किले में लहलाएगी जड़ी बूटियां, आंगन में खिलेंगे फलदार पौधे। देश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी में पहली बार गश्त दे रही देश की बेटियां। उत्तराखंड के वीर सपूतों ने दिखाया दमखम, स्वर्ण और रजत पदक किए अपने नाम। 11वीं के छात्र ने मां के डांटने पर निर्माणाधीन बिल्डिंग से कूद कर दी जान। भाजपा विधायक बोले दिग्विजय के खिलाफ वो देशद्रोह का मुकदमा, पाकिस्तान से प्यार है तो छोड़ दिया जाए बाघा बॉर्डर। आज के टॉप 20 बुलेटिन में इतना ही। आपको ये खबरें पसंद आई हो तो शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।